जैसा कि सामान्य रूप से एक गतिविधि चल रही है हमारे जन सरोकार मंच की, उसके द्वारा लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं ऐसे साक्षात्कार जो ऐसे विद्वत्ता के धनी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ रोजगार को ही अपना सब ने कुछ नहीं माना, रोजगार के अलावा भी जीवन की कई विधाओं में उनका अपना एक बड़ा हस्तक्षेप है। ऐसे ही विधाओं के धनी व्यक्तियों की श्रृंखला में आज आपके सामने एक है। उनसे मैं बहुत प्रभावित हूं इसलिए कि वैसे तो वो हमारे यहाँ सरस डेयरी है टोंक डिस्ट्रिक्ट जिले पर, उसकी वो प्रबंधक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन श्रीमती प्रमोच्चारण, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट के संग क्या करती हैं वो एक अलग पहलू है, लेकिन इसके अलावा वो क्या है मैं चाहता हूं कि हमारे सुधी पाठक दर्शक जो भी हमसे जुड़े हुए हैं जन सरोकार मंच से, काफी लंबी सूची है, वो सब भी उनको जाने, क्योंकि जानना आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। तो मैं मैडम प्रमोच्चारण जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में पहले कुछ अपने बारे में बताएं कि कैसे आप जीवन के किस मोड़ से आपने तय कर लिया कि आपको सर्विस करनी है या कुछ आजीविका करनी है, या क्या जिम्मेदारियां रही या आपकी रुचि थी और कैसे आप यहां तक आ गईं, थोड़ा सा अपने बारे में। धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील में बलोंग गांव में हुआ, जहां पर महिलाओं की कोई शिक्षा नहीं थी और अभी हो रही है लेकिन इतना जो होना चाहिए नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ तब 9 किलोमीटर तक मेरे गांव से बस जाने के लिए 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, मतलब बस नहीं आती थी गांव के अंदर, स्थितियां सामान्य नहीं थी। 9 किलोमीटर आपको जाना है तो बस में बैठना है, गांव में कभी कोई बस देख लेते तो ऐसा लगता है कि बस ऐसी होती है, ऐसा एरिया जहाँ एजुकेशन नहीं है कुछ नहीं था। जन्म हुआ और मैं वहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा फिफ्थ तक मैंने गांव में पढ़ा और सिक्स में मेरे को जोधपुर ले आए मेरी मदर ने, और सिक्स से मैंने जोधपुर में पढ़ाई शुरू की। तो सिक्स से लगा करके इलेवंथ हुआ करता था तो जोधपुर का राजमहल विद्यालय जो हुआ करता है वहां से मैंने पढ़ाई की, और फिर मैंने कॉलेज की जोधपुर यूनिवर्सिटी से एमए इन पॉलिटिकल साइंस। सक्सेना साहब, ये है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे गांव में लड़कों को भी नहीं पढ़ाते थे उन दिनों, तो मैं पढ़ाई के लिए मीन्स की मेरा घर गांव से जोधपुर पड़ता था 80 किलोमीटर, तो मैं वीकेंड में हफ्ते में एक बार केवल फ्रंटलाइन न्यूज़पेपर लेने के लिए जोधपुर जाती थी। आई एम इंटरेस्टेड, मेरा यह था कि मैं इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ूं, जबकि उन दिनों तो गांव में ऊंटा वाले, एंड आई वाज बोर्न इन 1970, तो एजुकेशन रियली बहुत कम है, और आज भी कहेंगे तो वहाँ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो देखा जाए तो कम है, एजुकेशन बहुत वहां का हुआ है। रुतबा यह था पढ़ना और पढ़ने के साथ में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और मैंने मेरी जिंदगी में मतलब मैंने हमेशा ये तय किया कि लास्ट की लाइन में खड़ा नहीं रहना, आगे की लाइन में खड़ा, बहुत अच्छी बात। और इसको आगे बढ़ाते हुए इन 1991 के अंदर मैंने पाली मिल्क यूनियन के अंदर एज सुपरवाइजर के पद पर काम करना शुरू किया। वाह, क्या एज रही होगी उस समय जब मैंने ज्वाइन की सर्विस, तब मैं 20 साल की थी। पहली बार जब पैसा आया 30 दिन काम करके कैसा लगा आपकी हथेलियों को? मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं परमानेंट जॉब के अंदर 1991 के अंदर आई पाली मिल्क यूनियन में, लेकिन उससे पहले आई वाज इज इन क्लास 8th, तो मैंने गांव में अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में पढ़ाना शुरू किया था, तब मेरी उम्र 15 साल करीब हुआ करती थी, तो मैं वो जो मुझे 40 रुपए पर मंथ मिलते थे, शाम को मेरी पढ़ाई के साथ साथ मैं 6 से 8 बजे
8 बजे तक, मीन्स 2 घंटे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और बुजुर्ग महिलाओं को भी पढ़ाती थी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में। और मेरे को जो 40 रुपए मिलते थे वो मेरे को लगते थे 40 लाख के बराबर है, और मेरे पैसे क्या देती, मैं सोचती ये मेरी मतलब वो बड़ी खुशी होती थी मेरे को। नहीं ये यहाँ एक ट्विस्ट ये आता है मैडम कि या तो आदमी को घनघोर ऐसी स्थिति हो कि जो पैसा उसे उसके लिए मैसर ना हो, उपलब्ध नहीं हो, और उसकी बहुत ज्यादा उसकी पैसों को लेकर बहुत सारी उसकी नहीं मेरे को पैसा कमाना नहीं था। लेकिन दूसरी स्थिति आती है कि अभी तक आपसे बात में ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं ईश्वर ना करें आप ऐसी स्थिति में थी जहाँ अपने आजीविका के लिए अपने जिंदा रहने के लिए पैसे भेजो, नहीं आप अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छा पढ़ रहे थे, आ जा रहे थे, हाँ आ जा रहे थे। तो ये जो आप में एक जीव पैदा हुई कि पैसा भी कमाना चाहिए। नहीं मैं महिलाओं को ये बताना चाह रही थी कि हम महिलाएं भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं और हमारा खुद का कमाया हुआ पैसा होना चाहिए जिससे हम हमारे कपड़े खरीदे, हमारी बुक्स खरीदे और हम आगे बढ़े। और इसी को कंटिन्यूस करते हुए आई एम अपॉइंटेड इन पाली मिल्क यूनियन एज ए सुपरवाइजर और मेरी फर्स्ट सैलरी रही है 2800 रूपए। तो वो 2800 रूपए भी मुझे बहुत याद है और वो मैंने मेरी माँ को लेकर दी है, पहली बात है। उन पैसों के लिए आपने किसी और को भी शेयर किया अपने साथ? पैसे देने के लिए मेरे परिवार में आप कमा के लेके गई। हाँ। तो जैसे अभी आपने कहा कि माँ को दीजिए, माँ को देना शेयरिंग नहीं है। हाँ। माँ तो सभी कुछ है। हाँ, सब कुछ है बिल्कुल। लेकिन उस पैसे में से कहीं ऐसा है कि उसमें से आपने 100 रूपए 500 रूपए 200 किसी नीडी महिला को आपने इस सोच के संग इसको चाहिए जरूरत है? नहीं मैंने मेरे 1 साल जो जॉब का पूरा हो गया, 1 महीना जो ही पूरा हो गया तो मेरे पड़ोस में एक गांव था विरोलिया, वहां से मैंने एक गरीब बच्चे को मेरे पास ले आई, देवासियों का बच्चा था और मैं उस शिव राम को पढ़ाती थी, उसकी पढ़ाई की फीस जो भी आती थी 50-100 रूपए वो मैं देती थी और 500 रूपए पिताजी को दिए और बाकी की माँ को दे देती थी। मेरा और शिवा नाम था उस बच्चे का, उसका खर्चा हमारा चल जाता था। तो ये बाढ़ में जहाँ आप बता रही है ये तो मेरा जाना तो नहीं हुआ, लेकिन एडजॉइनिंग एरिया है आदिवासी के आसपास का ऐसा लगता है? नहीं आदिवासी तो वहाँ भील रहती है, भील कम्युनिटी जो हम आदिवासी में काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसकी ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो बारिश बहुत कम होती है, वाटर लेवल नहीं है, डबल क्रॉप एरिया नहीं है, और अगर जंगल में भी अगर कुछ आदमी जैसे अगर मेवाड़ में है तो जंगल में भी कुछ संपदा मिल जाती है, बाड़मेर में केवल आपको खिचड़ी का और आंकड़े का पेड़ है जो आपका कोई ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ज्यादा पशुपालन भी नहीं हो सकता क्योंकि पशुओं के लाइफ न तो एनवायरमेंट है न उनके लिए फोडर मिल रहा था, तो ऐसा लगता था जमीन तो यूज है बट उसका कोई ज्यादा आर्थिक उत्पादन नहीं होता था। तो इस जगह पे ये चीजें तो कमजोरी रही है आर्थिक दृष्टि वाली, तो अब भी स्थिति ऐसी है ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रकृति में ऐसा है कि अब जैसे डबल क्रॉप एरिया हो रहा है लेकिन बट नॉट सर्वाइव बिकॉज जैसे आंधियां चलती है तो वो अब उसका लेवल ही वो हो जाता है, और कैटल के लिए भी अगर हम कहें तो इतना नहीं है कि वहाँ पशु ज्यादा सर्वाइव कर सके। जी जी जी। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि उस क्षेत्र के लिए मतलब कुछ और रास्ते सोचे जाने चाहिए? हाँ वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री शुरू करनी चाहिए, मतलब हार जाना प्रकृति के सामने तो ये मनुष्य की डेस्टिनी नहीं, आना नहीं है बल्कि उसमें वो चीज करनी चाहिए वहाँ की जनता के लिए। अगर हम देखा जाए तो जो हस्तशिल्प उद्योग है स्मॉल इंडस्ट्रीज है तो हम जैसे हमारे मन में आता है कि भाई हम उनको रॉ मटेरियल दे दें और महिलाएं एंड पुरुष सब जैसे दरी बुनना है, कसीदाकारी है या मिट्टी के बर्तन बनाना है, पॉटरी है, इस तरह के उद्योग से अगर हम उनको जोड़े तो देह वो कलाकार है, रियली वेरी गुड आर्टिस्ट। आज उनकी बनी हुई दरियां, उनके बने हुए कशीदे के ये जो हस्तकला के जो चीजें बन रही है वो बहुत रिमार्केबल है और उसको बढ़ाना चाहिए जिससे उनकी आजीविका भी चल जाए। और बारिश से होने वाली खेती से वो 4 महीने तो वैसे व्यस्त रहते हैं लेकिन बाकी के जो 8 महीने हैं उसके अंदर वो अपना गुजारा करते हैं। किस्मत से मैडम, मैं इसे किस्मत कहूंगा। जी जी, जिसे हम कहते हैं ना विरासत में हमें मिला। हाँ जी, हमारा कुछ योगदान नहीं है, हम ऐसे घर में पैदा हुए। जी बिल्कुल ना, वो तो हमारा किया कुछ गोल्ड स्पून के साथ ही आ गए। आ गया, लेकिन वो भी किस्मत की। जी बिल्कुल। मैं आपको एक जगह सुन रहा था, आप डाइस पे थी तो आपने कहा बड़े सहज रूप से कि मैं तो विचारण परिवार से हूँ और
डिंगल में सब कुछ कह सकती हूँ, तो मैं अभिभूत हो गया। सही बात जी। और ये जो आप तक अप्रोच है इस इंटरव्यू की, उसके पीछे भी बड़ा कारण है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से अपन लोगों को एक बार पुनः पहचान तो कराएं कि डिंगल कितनी खूबसूरत भाषा है और उसमें अभिव्यक्तियां कितनी अच्छी होती हैं। तो प्लीज आपसे निवेदन है कुछ एक दो रचनाएं। मेरा मेरे जो इष्ट है श्री प्रणी माता जी, मैं उन्हीं के ठीक है इससे चाहे जैसे, तो मैं प्रणी माता मेरे इष्ट है तो मैं उन्हीं के बारे में ही कहूंगी। तो माता जी महाराज जो करणी जी है उनके लिए मैं एक बात कहूंगी, उनके जन्म के लिए। चक्रलू मांडा वतरा धिन आडी देवल जारे कुक जन्मिया माँ किन्याणी करनल। तो ये मेरे करणी माता के लिए मैं कहूंगी। इसी तरीके से मेरे मामोसा है श्री डूंगरदान जी आशिया मैडम, उन्होंने एक चंद्र त्रिभंगी लिखा है तो मैं उसका थोड़ा पाठ करूंगी। थोड़ा सा आपको वो कि अपन जो अपने श्रोता है थोड़ा सा उसको समझ लें, तो जहाँ आप ठीक समझे वहाँ उसको एक बिल्कुल कर थोड़ा सा सरल अर्थ में बिल्कुल बता सकती हूँ। श्री करणी माता का चंद्र त्रिभंगी श्री डूंगरदान जी आशा ने लिखा है जी, तो मैं इसका पाठ करूंगी। जय जय जगजरणी भव भय हरणी खल दल धरणी खग धरणी भूजल खे चरणी पय नर झरणी शंकर घरणी चक अरणी सेवक सरणी कृपा करणी मात प्रसरणी भुजलंबा तारण भवतरणी वेदों वरणी जय जगजरणी जगदम्बा जय मा करणी जगदम्बा। इसी के साथ में एक और बोलूंगी, किन्या कुल जाई देवल माई पितु मेहाई घर आई थल मंगल थाई जोत जगाई माँ मड़ियाई प्रगटाई गुण भगता गाई सुरा सुहाई शुंभ खपाई निशुंभा तारण भवतरणी वेदों वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा। तो ये मामा जी का लिखा तो है चंद्र त्रिभंगी माता जी क्या करणी माता का लिखा है सर, ये है। तो मैं मुझे बहुत रुचि है और डिंगल ही हमारा खजाना है, ठीक है। और जो मुझे विरासत में मेरे जो मेरे रहे हैं मेरे पूर्वज उन्होंने मुझे दिया है और मुझे इस पे बहुत नाज है कि मैं इसका पाठ करूं। और सुनाइए और सुनाऊ मैं आपको इसका अंदाजा। जैसे मैं बागीदासी की कथा भी बता सकती हूँ जो उस दिन जो आपको तो श्री मौसम होता क्या है वो चाटो तो प्यास नहीं बुझती। तो ज्यादा पढ़ना चाहिए तो मैं इसको थोड़ा आगे रखने का कर सकती हूँ, जैसे मुझे बड़ा पसंद है ना जो आप ठीक सकते हैं। तो जगड़ू वो पारी ज्याज हकारी कोश हजारी थो वारी तूफान तयारी बोध दिवारी तबे पुकारी महतारी सुन भुजा पसारी नाव किनारी आप उतारी श्री अम्बा तारण भवतरणी वेदों वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा। खाती कमठाणी कूप खुदाणी कीण बिठाणी तदताणी नह जोग टलाणी अद बिच आणी लाव पुराणी तूटाणी रटियो सुरराणी हेक नियाणी वर्त संदाणी वणिदम्बा तारण भवतरणी वेदों वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा। कतार सिदाया देश पराया नाद भराया लदवाया बिच ऊंट थकाया तूठा पाया चौथू गाया महमाया साची सुरराया करी सहाया थिर पग थाया ज्यो थंबा तारण भवतरणी वेदों वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा। जादम जकड़ाई शेको भाई कैद बिठाई मुगलाई तद ही बोचाई अर्ज कराई करो सहाई थे बाई मुलतान सिदाई जेल चुड़ाई शेखो लाई अविलंबा तारण भव तरणी वेदो वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा। का नाम मतहीना कही मलीना वाद झुकीना दुख दीना तू तो चल चीना मंत्र महीना में लख लीना सगतीना अरि भई करीना अतल दीना पल में कीना पर लंबा तारण भवतरणी वेदो वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा। काबूल कंदारम भूपति भारम जंग विचारम जय तारम लंगर लिए लारम असुर अपारम तीस हजारम तो खारम सुनियो नरपसारम कीद पुकारम लहो उबारम अवलंबा तारण भवतरणी वेदो वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा। देशान पदारा नृप चढ़िनारा शरणा थारा साधारा हे राज तिहारा वन रखवारा आप हमारा आधारा
बंजन दुकबारा घणी घणी धरारा अंत सहारा तो अंबा तारण भव तरणी वेदों वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा भूपत दुख बाली दीन दयाली प्रगटी काली परचाली चंडी चिरताली कहो कृपाली वाट तिहाली मोवाली आओ ऊताली तीजी ताली दुश्मन गाली तू दम्बा तारण भवतरणी वेदो वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा लखनऊ ले लारा सिंध सवारा खप्पर धारा खावारा की निकिलकारा हरि को हारा मुगल पुकारा हमारा भग्गा दल भारा जेत जितारा लाज उबारा कर लंबा तारण भव तरणी वेदो वरणी जय जगजरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा मोरी कम मत्ती किम वरणती माँ की रत्ती है अति कवि डूंगर कत्ती मुजब उकत्ती दी सुर सत्ती तव प्रति तू सीता शक्ति आदि सगति तू शिवरत्ती तू रंबा तारण भव तरणी वेदो वरणी जय जग जरणी जगदम्बा माँ जय माँ करणी जगदम्बा। क्या बात जी। देखिए इसमें खूबसूरती जी मुझे क्योंकि मैं ज्यादा इससे जी लिंक्ड अप नहीं रहा जीवन में या मेरी विफलता मानता हूँ राजस्थान में पैदा होने के बाद। लेकिन एक तो खूबसूरती ये है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं इसको जी। तो शब्द का इको जो है जैसे आप कुछ और भाषा पढ़ रही उसका इको नहीं है, इको नहीं है। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं हाँ। तो ये शब्द हर शब्द ये देखिए ये एक देवीय भाषा है हाँ। इसके अंदर हमें एक जोश मिलता है एक प्रकाश मिलता है और एक ऊर्जा मिलती है और ये श्री करणी जी का संचार है। क्योंकि अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये माता जी का प्रकाश है और जो शब्दों का तारतम्य है वो अपने आप में इसमें आपका अनुप्रकाश अलंकार लगे हुए हैं और ये चंद्र त्रिभंगी है तो ऐसे गाने में भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन चूंकि मैं ये कहूंगी कि माता जी महाराज का इसके अंदर वर्णन है तो अपने आप में एक ऊर्जा और एक प्रकाश मिलता है और बहुत अच्छा लगता है सुनना और सुनाना। अब थोड़ा सा अपन अपनी बात को जी, दूसरा हाँ। रूप देते हैं जी, जीवन में संकट सबके जीवन में होते हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा, या कोई कम महसूस करता है और कोई ज्यादा महसूस करता है, ये सब चलता है जी। आपने भी संघर्ष खूब किए, जिस जीवन में जो नहीं होना था वो हो गया, फिर जिम्मेदारियां निभाई, अपने बच्चे को बड़ा किया, भला भूसा, आज उसकी शादी भी हो गई, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि हम किस तरह जिए या लोगों से अपने आप को शेयर करें कि वो अपने आसपास जो उनको तकलीफें हो रही हैं, खास तौर से मैं बहुत कई बार अजीब भाषा का प्रयोग कर लेता हूं कि अंदर से गुस्सा भर जाता है। जैसे मैंने एक कॉलम लिखा स्त्री विमर्श बहुत हंगामा हो रहा है देश में, एक वैचारिक पाखंड मैंने उसको नाम दिया, क्योंकि आप ईमानदारी से स्त्री को कितना मुक्त करना चाहते हो और क्या आप सहर्ष मुक्त कर रहे हो? स्त्री ही मुक्त हो रही है, आप किस गलत फहमी में हैं? अगर उसके महीने की तारीख का बटुआ आपको नहीं दिखता तो आप किसी भी हालत में उसे घर से नहीं निकल लेते। ये आपकी विवशता थी, विवशता थी बिल्कुल, सच्चाई बनी नहीं, सही है, बिल्कुल सही। तो लोग जो ये बात करते हैं कि हम नारी के उसके सम्मान के लिए या उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, उसके विकास के लिए उसको हम आजादी दे रहे हैं या उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पुरुष वर्ग ऐसा कुछ कर रहा है। मुझे लगता है सब ड्रामा है। मैं आपको आप इस संदर्भ में सब ये कहती हूँ कि इस पृथ्वी के ऊपर जो उत्पत्ति हुई है वो सर्वप्रथम नारी से ही हुई है। सबसे पहले पराम्बा हुई है जो माँ भगवती जिसको अपन कहते हैं, मनु और शत्रुपा की हम संतान, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें तो हम उनसे पूछेंगे, वो भी उनका भी यही कहना है कि हम पराम्बा की पूजा कर रहे हैं, तो जो उत्पत्ति का स्रोत है वो माँ भगवती है, मतलब स्त्री है, स्त्रैण है, ठीक है ना, इस उत्पत्ति, इस संसार की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो इस भूमंडल पर महिलाएं वो हुई है ना कि जैसे मैं बात करती हूँ आपका शत्रुपा की बात करते हैं जी। उनकी
पुत्रियों की अगर हम बात करते हैं, प्रसूति की बात करते हैं, मदालसा की बात करते हैं, मदालसा ने कहा कि मैं ऐसे पुत्रों को पैदा करूंगी जो न सुदोषी न बुद्धोषी, मैं ऐसे सामान्य बच्चे को पैदा नहीं करूंगी, मैं उस मेरे पेट में कोख में पैदा होने वाला बच्चा वो होगा जो एकदम आजाद होगा, जो न सुदोषी न बुद्धोषी, उसको किसी की चीज की मांग ही नहीं रहेगी, वो किसी चीज के लिए हारेगा नहीं, निराश नहीं होगा, वो इतना अपने आप में आध्यात्मिकता के स्तर का लेकर के पैदा होगा कि उसकी कोई चीज को कोई उसको निराश नहीं कर सकता, उसको बुझा नहीं सकता। तो महिलाएं वो है, मैं अगर शुरू शत्रुपा से करती हूँ, मदालसा से करती हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं तो और आगे, जैसे आप अपना आगे आते हैं तो आप देख लीजिए, इन द्वापर में अपन बात करते हैं, है ना, त्रेता में बात करो तो माँ सीता की बात करिए, है ना, और अगर हम द्वापर में बात करते हैं तो द्वापर के अंदर आप माँ कुंती की बात कर सकते हैं, आप उत्तरा की बात कर सकते हैं, है ना, और फिर हम आगे भी अगर बढ़ते तो शिवाजी की जो माँ जिन्होंने शिवाजी से पुत्र को पैदा किया, तो मैं अगेन दोबारा ये चीज कहना चाहूंगी कि जमीन कभी बीज नहीं होती है, आज वो बीज आज भी है, बस उसको देखना होता है कि वो कैसे उसको निखार कर सकता है। तो मैडम प्रश्न आपका बहुत, जवाब आपका बहुत अच्छा है, लेकिन प्रश्न यहाँ ये आता है कि उस बीज की देखभाल कौन करना चाहता है, कौन ने नहीं करी, और कौन कैसे कर सकता है? नहीं, वो बीज खुद महिला को ही देखना है, उसको खुद को ही अपने बलबूते पे खड़ा होना है, और आप अपनी लाइन इतनी लंबी खींच दीजिए कि दूसरी लाइन अब वो नहीं हो जाए। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं मेरी बात करती हूँ, मेरा जीवन भी बहुत कठोर से, मतलब बहुत तकलीफों से था। 23 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई, परमात्मा ने मेरे को एक बेटा दिया, बहुत छोटा, महीनों में उसके पिताजी उसको छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने एक दिन भी नहीं हारी, मैंने तय कर लिया कि कर्म ही पूजा है, और मैंने समय का सदुपयोग किया, मेरा कोई एक सेकंड भी दूसरा लोग खराब नहीं कर सकता, मेरा जैसे शेड्यूल्स है कि सुबह जल्दी उठ के मुझे मेरी पूजा करनी है तो करनी है, मुझे बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, मुझे मेरी ड्यूटी करनी है तो करनी है, मेरा समय का जो मेरा सदुपयोग है उसने मेरे को यहाँ तक लाके खड़ा किया, और मैं आश्रम अवस्था पे भी बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि मैं वो काम करती हूँ जो वेद विहित है, जो शास्त्र सम्मत है, और जो उपास्य से आचरित है, मैं वो ही काम करूंगी, उसके अलावा मुझे नहीं करना है। तो शास्त्र ये कहता है कि अगर आप 50 साल के हो गए हो तो अभी आपका ग्रस कंप्लीट हो गया है, नाउ आई एम एंटर इन वानप्रस्था, तो वानप्रस्था इन द सेंस कि अब मैंने अपने आप को हटा दिया, ठीक है मैं जॉब करूंगी, लेकिन मेरा ज्यादा टाइम जो है वो मेरा समाज की महिलाओं के लिए रहे, गायों के लिए रहे, पशुओं के लिए रहे, और मेरी साधना के लिए रहे, क्योंकि मेरे ओवर तो खत्म हुए जा रहे हैं जिंदगी के, तो मैं उनको इतना सफल बनाना चाहती हूँ कि मेरे जो लॉर्ड स्टार हैं, मैं उनको अशोक महान को मानती हूँ, अशोक जब राज्य किया तो दबा के किया, और जब वो बुद्ध धर्म अपना लिया तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं भी उसी पथ पे चलने वाली हूँ, और इष्ट और आराध्य मेरे श्री कृष्ण है, कर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। तो ये जो समय आ रहा है आपके हिसाब से, असंपर्क होने का समय है, चीजों से अपना निजी जो जिसे हम मोह कहें या अपनापन कहें उससे दूर होने का, ये एक्सरसाइज का पीरियड शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि वाकई हम सबसे असंपर्क होते हुए जी सकते हैं, सबसे मोह भंग करके हम जी सकते हैं? हाँ, ये काफी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम लगातार शास्त्र पढ़ते रहे, अगर हम अच्छी सत्संग में बैठे रहे, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि मोह भी भंग हो जाएगा, और मोह हमने हमारा डाइवर्ट कर दिया है परमात्मा की तरफ, और रही बात चूंकि परमात्मा 100% नहीं कर पाएंगे, तो बाकी का जो टाइम है वो हमारे पशुओं के लिए, मेरी गायों के लिए, नहीं, हाँ, ये कंसेप्ट, ये रह गया कंसेप्ट कि मैंने सुना जी कि आप गायों के प्रति बहुत ज्यादा सम्मोहन रखती हैं, आपने कहीं कहा भी मैंने सुना कि उनकी आंखें देखो बहुत कुछ बोलती हैं, तो उस बारे में कुछ को कैसे आप इतनी अटैच हो? मैं इसलिए अटैच हूँ कि वो लोक है, गायों का भी एक लोक, ठीक है, तो गाय इस कलयुग में अगर आपको सतयुग की कोई चीज अगर ढूंढनी है
तो वो आपकी गाय है। आप गायों को जो मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि गायों की आंखों में आप झांक के देखिए कि कितना उसमें स्नेह है। तो ये एकदम कंप्लीट प्रैक्टिकली बात है। इस कलयुग में अगर आपको सतयुग ढूंढना है, इस सतयुग को देखना है, तो वो ये गाय है। और वो गाय क्या मांगती है आपसे? कुछ नहीं मांगती है, बस उनका पेट भरण पोषण रहे और उनको अच्छा वातावरण मिल जाए और वो उनकी जो संतति है वो बढ़ती रहे, वो कमी नहीं रहे। इस भूमंडल पर अगर गायें रहेगी तो मैं आपको सच माने ये मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ कोई किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आ सकती है। और मैं इस कोरोना के परिप्रेक्ष्य में भी कह सकती हूँ अगर हम जन जीवन गायों की सेवा में लग जाए तो ये कोरोना वोरोना सब भाग जाएगा। इतना मैं कहती हूँ इसका प्रकाश है, प्रभाव है कि हम उसको देवी संपत्ति माने और हम उसकी सेवा करें, पूजा करें। थोड़ा सा आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ कि बेसिकली बात यह है कि गायों के प्रति हमारी आस्था बहुत बड़ी थी और आज भी है जी। और जो जितना भी उसमें कमी आई है उसको हम वापस रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं जो सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि जो गौपालक है जो उसके दूध का सेवन कर रहे हैं उससे व्यापार कर रहे हैं या अपनी आजीविका चला रहे हैं नहीं, लेकिन वो सब लोग इतने ज्यादा मैं तो निकृष्ट कहूंगा उनको कि वो उससे उसका उत्पाद लेने तक तो उसके साथ हैं। क्योंकि मैं अभी यहीं रहता हूँ हाउसिंग बोर्ड में, कम से कम 10 गायें ऐसी हैं जिनका टाइमिंग सेट है, वो निकल के आती हैं अपने घरों से सीधे दरवाजे खड़ी आती हैं। और जो आप कह रही हैं कि उनकी आंखें देखो तो आप रोक नहीं सकते, अपनी रोटी भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घर वाले क्या करते हैं? वो गायें घर सड़कों पर बैठी है, दिन भर घूम रही हैं, क्यों नहीं उनको चराने भेजते? क्यों नहीं ढंग से शेड में रखते? सिर्फ दूध लाना था किसी में? उन गायों के जो मालिक हैं वो बिल्कुल ही अपने स्वार्थ की उस सीमा पर पहुंच गए हैं कि जो गाय माँ आपको दूध दे रही है आपके आसपास में रह रही है तो वो उसको जिम्मेदारी से निभाए, उनको आवारा की तरह लोगों में नहीं कह रहे। क्या आपके माँ बाप को अपन छोड़ सकते हैं? आपको उसी तरीके से हम हमारे वृद्ध माँ बाप को थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो हम उसी तरीके से हम गायों की परवरिश करें। और मैं आपसे ये बिल्कुल मेरा एक और निवेदन है, गायें वो प्राणी है अगर आप पालते हो तो आपको उसको अच्छे से रखें, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो इतना याद करती है उस मालिक को और उसे उसे ऐसी दुराशीष लगती है कि वो कहीं से भी वो प्रायश्चित करके भी उसे छूट नहीं सकता। मैं गांधी गौशाला जाती हूँ, कैन यू बिलीव सक्सेना जी, मैं जो एंटर करती हूँ जो बछड़े हैं वो मुझे इस तरीके से पहचानते हैं, पहचानते हैं। यूं देखते, अच्छा वो झगड़ते हैं। अच्छा कभी जब उनको मैं गुड़ खिलाती हूँ ना तो मेरा हाथ काटेंगे, नहीं खाना गुड़, मतलब जब पेट भरा हुआ ना तो मैं हाथ को पकड़ूंगा और यूं करेंगे, मतलब उनका जो प्यार है मोहब्बत है, मैं आपको बता दूं। और ये तो पशुओं में भी जो सरोपरि है, जो देवी पशु है, जो हमारी गौमाता है, तो इस भूमंडल पर जो अगर हम सतयुग की बात करें या देवता की बात करें तो सब कुछ है वो गाय। और मेरे इष्ट माता जी महाराज श्री कर्णी जी माता ने भी गायों को पाला, उन्होंने भी गायों की सेवा की और मुझे तो मेरे लिए तो सब कुछ गाय है। ठीक, मेरा तो संकल्प ही है कि मैं गायों की सेवा। मैडम आज का जो मेरे हाथ केवल जो है का? मेरे जो हाथ है ना वो केवल गायों की सेवा के लिए है। हमने कोशिश भर की है कि कुछ आपके व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य बातों को भी हम सुने समझे और कोशिश करें कि आगे भी जाए। एक मौका और देना आप हमें जी, एक बार फिर बैठेंगे जरूर। उसमें जो आपकी वो प्रतिभा जिसने एक बड़े प्लान को जो लाख करोड़ के घाटे में था, गवर्नमेंट प्लान था जो कभी सुना ही नहीं जाता कि गवर्नमेंट 17 करोड़ के घाटे में था, वो उबर के कैसे आ गया? कोई जादुई करिश्मा तो हुआ नहीं, तो वो जो मैनेजमेंट स्किल है और आपके जो स्टाफ जो आपके साथ आपके अंडर में था, वो सहर्ष अगर नहीं आता आपके साथ तो आप उपलब्धि नहीं कर सकते। तो उनको आपने कैसे मोटिवेट किया, कैसे आपके साथ खड़े हुए, कैसे ये कंसर्न टोंक जिले का आज इतनी ऊंचाई पर है, इन सब पर भी बात करेंगे। तो जल्दी ही नेक्स्ट उसमें बैठेंगे। हार्दिक आभार आपके यहाँ आने का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। चलो।